नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, कसम से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कसम से वो तुम्हें प्यार नहीं करती, कसम से वो मेरा दोस्त है। तो दोस्तों, कसम से हम बहुत बार बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है और फिर कैसे आप उन्हें अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इन तरीकों के सेंटेंसेस में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कसम से के लिए आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई स्वेयर का, आई स्वेयर, SWEAR स्वेयर, ठीक है। कसम से मीन्स आई स्वेयर। अब दोस्तों, रूल देखिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है। आई स्वेयर आ जाएगा पहले, उसके बाद आपका सेंटेंस, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। जिन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता दोस्तों, वो हमारे पुराने ग्रामर के वीडियोस देखिए, टेंसेस के वीडियोस देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला है कसम से मैंने जो भी कहा सच है, कसम से मैंने जो भी कहा सच है। आई स्वेयर वट एवर आई सेड इज ट्रू, आई स्वेयर वट एवर आई सेड इज ट्रू। कसम से वह तुम्हें सच में प्यार करती है, कसम से वह तुम्हें सच में प्यार करती है। आई स्वेयर शी रियली लव्स यू, आई स्वेयर शी रियली लव्स यू। कसम से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कसम से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई स्वेयर आई विल स्टैंड बाई यू, आई स्वेयर आई विल स्टैंड बाई यू। कसम से उसने मुझे बताया था, कसम से उसने मुझे बताया था। आई स्वेयर ही टोल्ड मी, आई स्वेयर ही टोल्ड मी। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कसम से वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है। तो आई होप दोस्तों, आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।